जो हम सबकी लाइफ में या ओवरऑल देखें, तो आप कौन सा स्ट्रेस देखेंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? ऑब्वियसली अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन जो कि इस वक्त चल रही है मुल्क में, तो डेफिनेटली इट इज़ डिस्ट्रेस. इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द एंड इवेंट कि आप किस चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे हो. अगर तो आप एग्ज़ाम्स के लिए स्ट्रेस ले रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपका जॉब इंटरव्यू है, और इवन अगर ये टीम इस शो के लिए भी मैनेजमेंट कर रही है, तो दैट इज़ यू स्ट्रेस. एक पॉजिटिव स्ट्रेस है कि आप ऑब्वियसली जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा आप काम नहीं करोगे, आप एनर्जी पुट इन नहीं करोगे. लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट है, कोई टेंशन है, कोई पर्सनल लाइफ में टेंशन है, या जैसे आजकल फाइनेंशियल बर्डन एक चीज़ है, तो उसके बारे में जो आपको परेशानी है, टेंशन है, तो ऑब्वियसली वो एक नेगेटिव स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस है. और जो एक और चीज़ भी है कि एक डिफरेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी भी है. कुछ लोग यू स्ट्रेस को भी डिस्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं. कि एक वो पीक टाइम पहुंच जाए कि आप इतना स्ट्रेस लें कि आपकी जो बॉडी फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाए.